तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द मॉडिफायर्स में। तो आज आपके लिए भी ब्लूटूथ RGB बिग बॉल क्लॉक लेके आया हूँ। तो इसमें आपको जो भी फीचर्स आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे आपको RGB कलर्स मिलने वाले हैं, साथ में आपको यहाँ पे मिलेगी रूम टेम्परेचर भी बताएगी आपको ये वॉच, और साथ ही आपको डेट और टाइम का भी इसमें पता रहेगा। और ये आप इसके जो कलर्स हैं उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ की ऐप की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सामान की जरूरत हमें पड़ेगी वो हम इकट्ठा कर लेंगे अपने पास में। ग्लूगन है, फोम है, शोल्डिंग आयरन है, इस तरीके से रूलर स्केल है, मार्कर है, स्केच स्केच है, सीजर है, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो हमें ऑनलाइन मंगानी है वो कुछ इस तरीके से हैं। ब्लूटूथ SC05 है और WS2811 LED स्ट्रिप है और DS1307 क्लॉक मॉड्यूल है और आपका Arduino नैनो है जो सब कुछ कंट्रोल करेगा, और साथ ही टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल मॉड्यूल है और एक लैपटॉप जिसमें Arduino IDE इंस्टॉल्ड हो। ओके, कर लेंगे नहीं हो तो सर। एक फोम का टुकड़ा लेना है, जैसा कि है मेरे को फोम का पूरा पीस मिल नहीं पाया जितना बड़ा मेरे को चाहिए था, 28 इंच का। तो मैंने क्या करा, जो जितना भी मेरे को मिला उसी में से मैंने अपने 23 इंच का और 8 इंच का फोम का टुकड़ा काट लिया। जैसे कि यहाँ पर मैंने 8 इंच की मार्किंग करके यहाँ पर फोम के पीस को मैं काट लूँगा। आप कोशिश करिएगा कि आप पूरा फोम का पीस एक ही बार में मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना मेरे साथ जोड़ना पड़ेगा आपको बाद में। तो उसके बाद में मार्जिन, यहाँ पर मार्जिन की लाइन खींचनी है जहाँ पर हमारे नंबर्स हैं वो रहेंगे इन मार्जिन के बीच में, क्योंकि थोड़ा सा कैप हमें ऊपर नीचे भी छोड़ना है जिससे लेटर्स है वो प्रॉपर बनना हो जाए, दिखाई दे हमें प्रॉपर। इसके बाद में जो गैप बनाना है हमने कि कहाँ पे हमारा जो लेटर है वो लाया करेगा कितने बीच में, यहाँ पे जो बीच में वो गैप दिखाई दे रहा है, गैप मैंने इसलिए छोड़ा है कि जो एक लेटर से दूसरे लेटर के बीच में जो मतलब गैप है वो पूरा रहना चाहिए। जिससे क्या होगा ना कि हमें लेटर पढ़ने में आसानी रहेगी नंबर पढ़ने में, वरना क्या होगा नंबर हम आसानी से नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए गैप का होना मेंटेन रखना ज़रूरी है। इसके बाद हमें जो यहाँ पे दो डॉट सेगमेंट बनाने होंगे अपने दो सेगमेंट के बाद में दो डॉट सेगमेंट, ठीक है। दो डॉट सेगमेंट किस लिए, क्योंकि सेकंड के हैं, क्योंकि जब भी हमारी घड़ी चलेगी टाइम बताएगी तो हमें सेकंड का भी पता चलना चाहिए, तो ये सेकंड बताने के लिए हमारे ये दो डॉट सेगमेंट हैं यहाँ पे। इसी तरीके से हमने चार सारे के सारे अपने जो लास्ट पीस भी वो भी हमने इस तरीके से काटना है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया मेरे को पूरा पीस नहीं मिला, तो इसलिए मैं अपना आधा बचा हुआ टुकड़ा इसमें से काट के ही असेंबल करने वाला हूँ। आप कोशिश करिएगा कि पूरा का पूरा मिल जाए। इसके बाद क्या करना है, हमें कैविटी डिज़ाइन करनी है। इसके अंदर कैविटी डिज़ाइन करने के लिए आपको खाली एक 100 ब्लेड चाहिए, और उसके बाद दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। हमने जो मार्किंग करी है वो 16x8 सेंटीमीटर की करी है मैंने यहाँ पे, और जो इसका बीच का जो सेंटीमीटर है वो 1.5 सेंटीमीटर का ले रखा है, जो इसकी मोटाई है यहाँ पे। इस तरीके से आप सारा का सारा आपको काट लेना है और पूरा खोखल कर देना है इसे इस तरीके जैसे, और इसी तरीके सारे के सारे हम अपने खोखले बना लेंगे और जो हमारे सेगमेंट से रहेंगे। इसके बाद हम क्या करना है, यहाँ पर लाइट फिटिंग करनी है। तो लाइट फिटिंग करने के लिए मैं आपको एक सेकंड में करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बेनिफिट मिल गया मेरे को पूरे का पूरा पीस ना होने का, जिससे कि आपको यहाँ पर आसानी से समझा सकता हूँ कि कैसे हमें फिटिंग करनी है यहाँ पर। तो जैसे कि पीछे से हमने 7 होल्स कर लिए हैं यहाँ पर, और इन 7 होल्स में अपनी LED फिक्स करूँगा। तो LED का नंबरिंग मैं आपको दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नंबरिंग इसे चेक कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले पे भी आपकी दिखाई दे जाएगी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले क्या करना, जो LED है वो हमें इंसर्ट करनी है उस साइड से जहाँ से हमारा सर्किट है, सर्किट वाली वायर बाहर निकल जाएगी और जो नॉन सर्किट वाला पार्ट है वहाँ से हमारी दूसरी LED में इनपुट जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, इस तरीके से हमारी सारी LED इसी सीरीज में हमें जोड़नी है। जैसे कि आप नीचे डिस्प्ले में देख पा रहे हैं 0 से लेकर 28 तक, तो पूरी की पूरी 30 LEDs यहाँ पे यूज़ आएंगी। जो 14 है
14 पिन में क्या होगा कि आपको दो एलईडी अलग एक एलईडी अलग से काट के उसी 13 के साथ सीरीज में 14 में जोड़नी होगी उसकी पैरेलल में, जैसे क्या होगा कि दोनों एलईडी 14 पिन पर ही काम करेंगे जैसे कि अपने आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में जब काफ़ी नॉइज थी लाइट की, तो क्या हुआ जो लाइट की नॉइज उसे रिड्यूस करना होगा कि एक जैसे 7 सेगमेंट बनेंगे तो हर एक सेगमेंट की जो लाइट है वो एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ मैंने आईडी कार्ड की शीट पे यूज़ किया जो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक लाइट को पहुँचने में रोक रही है, जिससे क्या हो रहा है जो हमारा इसके बाद आप थोड़ा ब्लैक स्प्रे कर दीजिएगा और कुछ और सेगमेंट्स ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा ना जो हमारी लाइट है वो पूरी तक पूरी फैलेगी नहीं और वो आसानी से अलग से रहेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसका आसानी से सिंपल है। SC05 में आपके चार पिन से RX TX और TX RX से कनेक्टेड होगी आर्डिनो के ब्लूटूथ में। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा टाइमर मॉड्यूल है उसकी भी SCL पिन होगी हमारी कनेक्टेड A4 से और SDA पिन होगी A5 से कनेक्टेड और ग्राउंड से पॉजिटिव से। इसके बाद में जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है उसकी जो डेटा पिन है वो डेटा पिन आपकी कनेक्टेड होगी D4 से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटा सा सर्किट है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप आर्डिनो को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ सर्किट इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको तीन वायर्स और निकालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राउंड की और पॉजिटिव की वायर निकाल रखी है। साथ में एक वायर जो हम कनेक्ट करनी है वो हमें अपनी एलईडी से कनेक्ट करनी है। एलईडी में एक वायर जो कनेक्ट होगी वो होगी हमारी T9 पे। इसके कोड पे आ जाते हैं हम, कोड पूरा का पूरा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट करना है आपको सीधे जाके कंप्यूटर में, और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में आपको कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी इंस्टॉल करने की सिर्फ अपलोड करने की ज़रूरत है। तो आपको बता देता हूँ कोड में बेसिकली छोटा मोटा है क्या क्या। यहाँ पर जो DHT पिन 4 है, डी डाटा पिन 4 मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पर बस जो एक पिन चेंज करेंगे हम वो हम चेंज करेंगे डाटा पिन 7 जैसे कि आपको दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैंने डाटा पिन 9 ही ले रखी है आर्डिनो में अपने, तो यहाँ पर मैं 7 से चेंज करके 9 में कन्वर्ट कर दूँगा यहाँ पर। तो बस इसके बाद आपको कोड अपलोड कर देना है। टूल्स में जाके आपको आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको आर्डिनो बोर्ड पे नैनो बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद में उसका जो पोर्ट है पोर्ट सेलेक्ट करना है और फिर सीधे आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे कंपाइल हो चुका है हमारा कोड, इसके बाद यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करके 6 में लेके मैंने इसे अपलोड कर दिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारी सारी LEDs ग्लो करने लगी हैं। अब यहाँ पे A4 शीट की मदद से मैं करूँगा यहाँ पे लाइट को और रिड्यूस कर दूँगा, जिससे कि आपको जो लाइट नंबर्स हैं वो और आसानी से पता लग जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना, एक बॉक्स लेना है। बॉक्स जो है आप जितना भी आपने वॉच का साइज़ लिया है उसे थोड़ा सा बड़ा रखिएगा, जिससे बॉक्स में वॉच को डालते हुए आसानी रहे और वो आसानी से कवर हो जाए उस चीज़ में। तो नॉर्मल गत्ते का बनाया मैंने नॉर्मल। इसके बाद में लकड़ी लेनी है, लकड़ी आप किसी भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें खाली हैंगिंग सपोर्ट देना है, तो हैंगिंग सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल लकड़ी में हिंजेस जोड़ के इसे कराया, जैसे ये हिंज है मैंने इसे यहाँ पे स्क्रू की मदद से कस दिया है नॉर्मली, और फेविकोल का यूज़ करके जोड़ा है जिससे कि और भी इफेक्टिव रहेगी मजबूती इसकी। और हिंजेस तैयार हो गए, आप सारी की सारी जो पजल है उसे हमें कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक जो चीज़ मैंने मेन यूज़ करी है वो एक ब्लैक मिरर यूज़ करा है, यहाँ पे आप भी यूज़ कर सकते हो, उससे क्या होगा जो हमारा लुक है वो काउच का काफ़ी बदल जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमारी पूरी पूरी वॉच तैयार हो चुकी है, आप भी आसानी से अपने घर में इसे बना सकते हैं। तो
चलिए चेक करते हैं इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को एक बार। तो आपको उसके लिए चाहिए होगा एक फ़ोन, और जिसमें आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है जो ऐप को लिंक डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको कनेक्ट करना है SC05 को। जब आप SC05 को कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपके पास एक मेन्यू खुल के आएगा, जो मेन्यू आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको 3 कलर बार मिल रहे हैं, इफेक्ट्स मिल रहे हैं, टेम्परेचर मिल रहा है, सेट टाइम मिल रहा है, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। आप उससे इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कलर है वो मैं फ़ोन की मदद से ही चेंज कर पा रहा हूँ, और आपको हर तरीके का कलर आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए मिल जाता है यूज़ करने के लिए। तो काफ़ी प्यारी लगती है वॉच जब आप कोई भी रैंडम कलर अगर आप चूज़ करते हो तो आपको लगेगा कि हर दिन कवर अप में एक नई वॉच प्लेस करिए। तो ये काफ़ी खूबसूरत बनाता है इस चीज़ को। आप इसमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स भी रैंडम में मिल जाएंगे, रैंडम भी चलती रहेगी अगर आप चाहेंगे तो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को आपको अगर पसंद आती है तो और को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, क्योंकि काफ़ी लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख तो लेते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब करना चैनल को भूल जाते हैं और लाइक करना वीडियो को। तो ऐसा ना करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।